हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सागर, आप देख रहे हैं एसपीएल हेल्थ चैनल पर। दोस्त, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, बीच में ही वीडियो को स्किप ना करें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, बालों को पक जाने की परेशानी सिर्फ बुढ़ापे में ही नहीं आती है। आजकल की जिस तरह की दिनचर्या हमारी चल रहा है कि हम सारे दिन भर तनाव में रहते हैं और खान पान भी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जा रही है, जिसकी वजह से समय से पहले ही हमारे बाल पक जाते हैं और जवानी के समय में ही बाल की सफ़ेद आने लगती है और हम समय से पहले ही बूढ़े लगने लगते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बालों को काला करने के लिए। आज हम आपको इस अंक में बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने बालों को काला कर सकते हैं, वो भी लंबे समय तक के लिए। आज हम आपको एक नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसको अपनाकर आप अपने बालों को कुछ इस तरह से काला कर सकते हैं कि आपके बाल बूढ़ेपे तक भी काले ही रहेंगे। आइए जानते हैं कि क्या है वह नुस्खा। दोस्त, इसके लिए आप मेहंदी के पाउडर और बादाम के तेल की आवश्यकता होगी। इसके लिए आप सबसे पहले एक बर्तन में पानी डालकर मेहंदी का पाउडर डालकर अच्छे से मिलाइए और हल्की आंच पर गैस पर रख कर चलाते रहें। कुछ देर के बाद बादाम का तेल डालकर अच्छी तरह से मिलाइए। अब इस मिश्रण को आंच से उतारकर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अब इस मिश्रण को बालों पर लगाकर सूखने के लिए छोड़ दें। सूख जाने के बाद इसे अच्छी तरह से धो लें। यदि आप इसका प्रयोग 4 सप्ताह तक करते हैं तो आपके बाल मजबूत, घने और काले हो जाएंगे। इस उपाय का उपयोग आपको सप्ते में केवल एक बार ही करना है। यदि आप ऐसे करते हैं तो आपके बाल हमेशा काले दिखेंगे। तो दोस्त, ये थी आज की नई जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि इसी तरह नई नई जानकारी का नोटिफिकेशन पा सकते हैं। मैं मिलता हूँ इसी तरह नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।